हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी अपना जीमेल हम कहीं पर लॉगिन करते हैं तो वहां पर हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड मांगता है। दोस्तों, जब भी अपने जीमेल में टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड इनेबल करके रखते हैं तभी ये हमसे मांगता है। तो दोस्तों, वो कोड कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे पता करें, तो आज की इस वीडियो में मैं दो तरीके बताऊंगा। अगर एक तरीका आपका काम नहीं किया तो दूसरा 100% आपका काम करेगा। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक, मेरे चैनल का नाम है मलिक ट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी कोड पता करने के लिए यहां हमें सबसे पहले सेटिंग ओपन करना होगा। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहां पर दोस्तों हमें गूगल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहां गूगल वाले पे टच करेंगे। जैसे ही दोस्तों गूगल पे टच करेंगे, यहां मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर्सनल इन्फो था, फिर इसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी, उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी। तो दोस्तों, सिक्योरिटी पे आने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिला है सिक्योरिटी कोड। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही टच करेंगे, हो सकता है आपसे स्क्रीन लॉक मांगे। अगर आप स्क्रीन लॉक लगा के रखे होगे, स्क्रीन लॉक हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपसे जीमेल और पासवर्ड मांगे। दोस्तों, जैसे ही आप डालोगे कुछ इस तरह देखने को दोस्तों मिले। यहाँ पर आपका यूआर सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर दो कोड आ गए, दो कोड में से एक कोड डाल दोगे वो काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक खास ख्याल रखना होगा, आपका जो भी जीमेल वहाँ पे लॉगिन कर रहे हो वही जीमेल यहाँ पर होना चाहिए, गूगल प्ले सर्विस। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा दूसरा जीमेल है और हम दूसरा पहले दूसरा लॉगिन करके आए। तो दोस्तों, यहाँ पर वो जीमेल सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके जो भी जीमेल जरूरत है वो जीमेल सेलेक्ट करना। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ मेरा मलिक ट्यूब, ये जीमेल सेलेक्ट हो गया और हमारा जो कोड नंबर है सिक्योरिटी कोड ये भी चेंज हो गया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से अपना कोड नंबर पता कर सकते हो। अब दोस्तों, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको कोड नंबर लेने का। सबसे पहले यहाँ से अपना जीमेल ओपन कर लेना, उसके बाद दोस्तों यहाँ लोगो पे क्लिक कर लेना और जो भी जीमेल का आपको कोड चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो फॉर एग्जांपल हमें इस जीमेल का चाहिए, तो इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ लोगो पे क्लिक किया, फिर यहाँ से मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक किया, फिर दोस्तों वही प्रोसेस है इसमें, यहाँ पर आपको आना है। फिर ये तो आपने पहले देखा ही, यहाँ पे जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ, यहाँ सिक्योरिटी पे आ जाना। सिक्योरिटी पे आने के बाद फिर यहाँ सिक्योरिटी कोड पे क्लिक कर देना। दोस्तों, आपका कोड यहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये कोड डालने के बाद अगर आपका एरर बता रहा है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक मैं इंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो देख लेना, और इस पर एक और वीडियो मैं लेके आऊंगा। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तक के लिए अगर आप सिक्योरिटी कोड में से कोई दो वीडियो में से एक सेलेक्ट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।